ये हो चुके गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज के इस वाले गेम प्ले के अंदर भाई हम हर स्क्वाड पर इतना जबरदस्त रश मारने वाले हैं कि मतलब जितनी भी फाइट होगी सारी की सारी एकदम इंटेंस बच जाएगी। मतलब कि यार 1-1 एचपी पे क्लच करना पड़ेगा। तो भाई बहुत ही जबरदस्त गेम प्ले होने वाला है। और जो एंड जोन की फाइट है भाई उसके अंदर तो मतलब अलग ही लेवल तबाही है। मतलब एक ही जगह पर 4-5 गाड़ियां फोड़ के स्मोक डाल के कवर बनाएंगे, तो बहुत तगड़ा गेम प्ले है। तो अभी हम जा रहे हैं जॉर्ज बुले कंटेनर्स पर और यहां पर आएंगे लगभग 5 से 6 स्क्वाड। तो देखना इन सबको कैसे निपटाएंगे। तो भाई इस स्क्वाड को तो यहाँ पर बहुत ही इजीली निपटा दिया और इनके एसएलआर भाई बहुत ही गदर मारी थी। अब यहाँ पर इसको मारने के बाद करेंगे राइट फ्लैंक, क्योंकि वहाँ पर चल रही थी 2 स्क्वाड्स की फाइट, तो हम थर्ड पार्टी कर देंगे। तो भाई ये जो टीम से यार इनकी फाइट जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो यहाँ पर शायद 2 नहीं 3 स्क्वाड आपस में लड़ रही थी। तो चलो भैया अब इनकी छड़ी लगा देते हैं। खैर यहाँ पर मेरे को इसका फर्स्ट टाइम लगाने का साउंड आ गया, तो मैंने यहाँ पर आकर इन्हें मार दिया। अब पीछे की तरफ एक बंदा शॉटगन मार रहा था बोट को, तो उसको तो मारेंगे, साथ में साथ बोट को भी मारेंगे। तो गाइस फाइनली यहां पर हमने इस बोट को मारकर अपने 12 किल जो है कंप्लीट कर लिए और हमें जॉर्ज पुल जो है खाली करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि यार जितने भी बंदे थे सारे मिड वाले कंटेनर्स में फाइट ले रहे थे। तो हमने तो अच्छी खासी लूट मारी और सीधा आके उन पर रश कर दिया। बिचारों की एचपी होती तो फटाफट से सबको फिनिश कर दिया। अब उनको मारने के बाद अपनी गाड़ी लेकर आगे सीधा रोजोक की हिल पे, लेकिन तभी मुझे लेफ्ट में बंदे दिख गए। अब यहां पर पहले मुझे लगा था क्या पता एक टीम होगी, लेकिन यहां पर 1 नहीं 2 नहीं टोटल 3 टीम्स थी। तो यहां पर भी देखना क्या गदर थर्ड पार्टी मारेंगे।
तो भाई यहाँ पर जो पहले वाली स्क्वाड थी वो तो ऑलरेडी हो गई, लेकिन ये जो बंदा था ये अभी भी नॉकडाउन था, तो यानी इसके टीममेट आसपास ही थे। अब तभी देखना इसका टीममेट जो है बाइक लेकर आएगा और सीधा ब्रोकन वॉल पे कैंप करने लग जाएगा। खैर ये बंदा था ये भी डायरेक्ट नहीं मरा था, तो यानी अभी भी इसके टीममेट बचे थे पर वो लोग शायद यहाँ पर नहीं थे। तो यहाँ पर जिस बाइक से आया था मैंने इसकी बाइक उठाई और सामने चली थी फ्लेयर और मैं अब सीधा फ्लेयर पर निकल गया। अब यहाँ पर मैं दोबारा से थर्ड पार्टी करने वाला हूँ जबरदस्त वाली। तो भाई देखो यही नुकसान होता है ओपन में फ्लेयर चलाने का, मतलब कि अगर आप ओपन में फ्लेयर चलाओगे तो भाई हर साइड से बंदे आगे तो तुम्हें तोड़ेंगे। तो यहाँ पर इनका तो काफी जबरदस्त थर्ड पार्टी करा। अब मेरे को यहाँ से फटाफट लूट के निकलना था ताकि मैं थर्ड पार्टी ना हो जाऊँ और तभी एक स्क्वाड और आ जाएगी थर्ड पार्टी करने। तो भाई यहाँ पर इनका एक बंदा मैं नॉकडाउन करके सीधा रश कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर भाई इतनी जबरदस्त सिचुएशन हो जाएगी ना, मतलब कि यार समझ लो मैं मरते मरते बचूंगा। तो भाई यहाँ पर तो मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था क्योंकि मैंने हरकत ही ऐसी नुबड़ वाली करी थी। तो यहाँ पर जैसे तैसे करके भाई उस बंदे को मारा और मेरी ग्रोजो में सिर्फ सिर्फ दो ही बुलेट बची थी और सामने वाले बंदे की एचपी भी शायद बनी रही होगी इसलिए वो मर गया। अब उसके बाद मैं सीधा अपनी यूएस लेकर जा ही रहा था तभी एक बंदा दिखा, तो उसको तो हमने पिचका दिया। अब यहाँ पर इसके सारे टीममेट मेरे पे रश मार देंगे।
तो भाई इस स्क्वाड को तो बहुत ही बुरे वाला मारा। मतलब कि यार पहले बंदे को गाड़ी से पिचका दिया, दूसरे को ग्रोजा का स्प्रे दे दिया, तीसरे और चौथे को ओक का स्प्रे दे दिया। तो ओक का तो कोई तोड़ है नहीं, स्प्रे के मामले में भाई बहुत खतरनाक गन है ओक। बहुत खतरनाक नहीं, शायद सबसे खतरनाक गन है। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर मैं जा ही रहा था ड्रॉप वगैरह पर, लेकिन तभी मुझे सामने से एक और डासी आता वो दिखा जो खुद ड्रॉप पर जा रहा था। देख रहे हैं इनकी क्या बैंड बजाएंगे। और हाँ गाइस, पीछे वालों की क्रेट से हमें मिल गई थी AWM, तो यहाँ पर इनके हम चाटे बरसाएंगे यहाँ से खड़े होके। तो भाई यहाँ पर इस जॉब के लिए इतना गदर सीन हुआ है ना, मतलब कि यार सामने बंदे ही बंदे आ चुके हैं। अब मेरे को भी सामने की तरफ से दो बंदों ने घेर लिया है, और यहाँ पर अब मैं देखना अपने लिए कितना जबरदस्त कवर बनाने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पर होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट, तो आप गेम प्ले एकदम ध्यान से देखते जाओ कि क्या क्या सीन होते हैं। तो भाई यहाँ पर हम लोग दो हेडशॉट मिस कर देते हैं, लेकिन इनका एक बंदा बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर देता है। तो भाई वो बंदा रेंगता रेंगता आगे आ जाता है और वो मेरे को स्पोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस पर नेट डाल के इसको लपेट देते हैं। तो भाई यहाँ पर अब हमारे ऊपर से थोड़ा बहुत जोन भी चले जाता है, तो मैं सोचता हूँ चलो यार थोड़ा बहुत ना आगे की तरफ कवर बना लेते हैं ताकि इजीली जोन में पहुंच जाए और आराम से बैठ जाए। तो यहाँ पर अब देखना जैसे आगे जाने लगूंगा बंदा भाई अलग ही प्लानिंग कर बैठा होता है हमारे ऊपर नेड करने की, लेकिन तुम्हारा भाई जो तान के हेडशॉट देगा ना इसके मतलब जबरदस्त चाटा पड़ेगा देखना।
तो भाई इसी पल का तो इंतजार कर रहे थे हम इतने दिनों से। तो गाइस फाइनली इस बंदे ने 5 करोड़ साल बाद जाकर अपनी मुंडी दिखाई, और दिखाते इसके जो चाटा पड़ा है AWM का, बेचारा आज के बाद ऐसा पिक भूल के भी नहीं लेगा। तो यहां पर इसका खेल खत्म करा। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको आज के वाला जो गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज यार वीडियो को जाकर लाइक जरूर करना है। एम करते हैं इस वीडियो पे ओनली ऑन 14,000 लाइक के लिए। तो गाइस मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कंप्लीट कर दोगे, और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो फटाफट जाकर फॉलो कर लो @ujwalgamer सर्च करके, तो जाओ गाइस फॉलो कर लो। और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, और जिसने बेल आइकन नहीं दबा रखा नोटिफिकेशन नहीं आएगी भाई, बेल आइकन भी दबा दो ताकि वीडियो डलते ही आप लोग देख लो। तो गाइस गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।